खड़े हैं पटना के मेन रोड पे, पटना स्टेशन के बाहर। आप पहले यहाँ का नज़ारा देखिए, चारों तरफ ऑटो स्टैंड है, ऑटो लगा हुआ है। बल्कि आपको बता दें, ये ऑटो स्टैंड नहीं है, ये ऑटो चालक बीच रोड में अपना ऑटो लगा रखे हैं और इससे आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं महावीर मंदिर के बाहर का रास्ता है, मेन रोड है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, स्टेशन है, नाजमी सी बात है कि लोग आएंगे जाएंगे, और फिर भी इतना भीड़। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, बसेस और ऑटो दोनों खड़े हैं। और हम यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं इनको कितना दिक्कत होता है, क्योंकि लोग जो नॉर्मल चलते हैं उनके लिए भी चलने का रास्ता नहीं है। पटना स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा है। चाचा इतना ऑटो स्टैंड में ऑटो नहीं लगाता ये लोग, और बीच रोड में लगाता है, दिक्कत होता है आपको? दिक्कत तो होता ही है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत क्या है, टेम्पो यहाँ पर मंदिर है तो यहाँ पर तो दिक्कत होता है, टेम्पो लग जाता है। ये सबका तो जीपीओ गोलंबर पर स्टैंड है। गोलंबर पर क्यों नहीं लगाते? आप क्यों नहीं लगाता है, पैसेंजर लेने के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में नहीं लगाता है। ज़्यादा कमाने, आम लोगों को भी दिक्कत होती होगी? हाँ, आम लोग को तो दिक्कत होगी, करेगी। चलिए देखिए, हम यहाँ पे लोगों से जुड़ते हैं और ये क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। आप पहले यहाँ का नज़ारा देख रही है तो आप देखिए, आम जनता को यहाँ पे चलने में दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं एकदम मेन रोड पे गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं, ट्रैफिक का रास्ता बढ़ा रहे हैं और ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये जगह नहीं है गाड़ी और बसेस लगाने की। कितना दिक्कत होता है? क्या मेन रोड पर गाड़ी रोक देता है? सब दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है हम लोगों को, चलने में दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या क्या आप क्या चाह थोड़ा देर के बाद तो भीड़ हो जाएगा कि मतलब चलना मुश्किल हो जाएगा पैदल। हाँ, रोज जो आना जाना करते हैं ऑटो वाले सब जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब ये करते हैं। ऑटो वाले नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं वो लोग। रोज आना जाना करते हो, दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? यहाँ से वहाँ जाने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाता है, इतना ना जाम रहता है ना। इन लोगों की वजह से जाम हो जाता है? बिल्कुल, इन लोगों की वजह से जाम होता है। यहाँ पे इन लोग का ऑटो स्टैंड कहाँ है? इन लोग का ऑटो स्टैंड उधर है, दूध मंडी के पीछे, बीच रोड में लगा के। हाँ हाँ हाँ, हमेशा का यही, रोज का यही है। तो आपने देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में बन जाता है, क्योंकि इतना जाम है। आप एक बार फिर से देखिए, मैं आपको पटना स्टेशन के बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ, गाड़ी कितने धीरे धीरे आती है। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को परेशानी हो रही है, जो आम जनता पटना स्टेशन जा रही है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।